प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, सांख्यिकी आपके 10 नंबर की हम आपको यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे पढ़ते रहें, समझते रहें। हम आपको टोटल इम्पोर्टेंट देते रहेंगे। आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, चाय पीते रहें, ज्ञान प्राप्त करते रहें। देखिए, जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपका सांख्यिकी यूनिट से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर की आएगी। सांख्यिकी यूनिट से रिलेटेड है, जो आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर की आएगी, ज़रा ध्यान दें। और आपका पार्ट समांतर माध्य के पार्ट से रिलेटेड है या पार्ट से संबंधित है। देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, 7.13.10 का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो, तो देखिए अपने आंसर या सलूशन में समांतर माध्य बराबर क्या है आपका, सिग्मा एक्स बटे एन। ज़रा ध्यान दें, जो सिग्मा जो आपको दिख रहा है 3 का उल्टा, तो ये सिग्मा है। क्या लिखा हुआ है, सॉरी, सिग्मा है, सिग्मा एक्स बटे एन। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, सिग्मा एक्स क्या होता है, पदों का योग, जो भी पद दे रखे हैं उनको आप जोड़ेंगे, बटे एन, एन क्या है, पदों की संख्या। तो जो भी आपको पद दे रखे हैं उनको आप जोड़ेंगे, तो 7+13+10 बटे एन, एन आपका नंबर है, जो भी आपके पदों की संख्या है, बटे 3। जो हमने आपको पिछली वीडियो में फार्मूले कराया बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए हमने कराया कि आप कन्फ्यूज ना हो। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 30/3। जब आप इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10। तो आपका आंसर या सलूशन क्या आ गया, 10 आ गया। आप वीडियो को बार बार देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना।